नमस्कार, मैं हूं अमृता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में चाची और उसके बच्चे की तरक्की से नाखुश भतीजे ने चाची के लड़के की लाखों की गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी आग उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। बता दें कि इस घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना को अंजाम देने वाले उसके दो अन्य सहयोगियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें फरीदाबाद की बुढ़ैना गांव की है, जहां एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर खड़ी हैशियर कार पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार से है। कार के मालिक ने बताया कि आरोपी दीपक उनके ताऊ का लड़का है, जो उनकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है। इसी के चलते उसने उसकी गाड़ी को देर रात पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी उन्हें कार में आग लगने के बाद शीशे टूटने की आवाज़ से मिली। उसके बाद में मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कार को आग के हवाले करने वाले आरोपी की चाची ने बताया कि वो छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसके तीन बच्चे हैं। उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर खेतीबाड़ी और दूध का काम किया और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उनके बच्चे तरक्की कर रहे हैं। इसी तरक्की से नाखुश होकर उनके जेठ के लड़के दीपक ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और अब उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहा है। वो चाहती है कि पुलिस उनकी सुरक्षा करे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं इस मामले में खेड़ी पुल थाना SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें आग लगने की सूचना देर रात मिली थी। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को भी इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में अभी एक आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके दो सहयोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी फोटो आई है, क्योंकि हमें नहीं पता था किसने चलाई थी। हमने जब हम सो रहे थे, जब इसमें शीशे फूटे, जैसे गैस बनी हुई गाड़ी में, तो फूटे जब हमने कैमरा चेक करे, अरे तुमने आग बुझाई है गाड़ी की, आग बुझाते समय हमने आग बुझाई है। उसके बाद हमने देखा पुलिस भी प्रशासन आ गई है और आग बुझाने वाली मशीन भी वो भी आई है बुझाने वाली। तो उन्होंने देखा जैसे आग लगी है बुझा दी, तो हमने कैमरा चेक करा, देखा कौन है, अपना चल लिया 100 सर्किट हुई है गाड़ी। देखे तो उसमें अपना जालिम दीपक उसमें पेट्रोल छिड़कता हुआ गाड़ी पे देखा और गाड़ी में आग लगाई है। जो बंदा इंसान भगता हुआ नजर इस साइड से भगा, जो भी है बंदा इस साइड से भगा, उसकी चप्पल उनकी चप्पल वो सब यहीं रखी है। तो वो मुजरिम पुलिस आई है और उन्होंने कार्रवाई करी है। देखा तो वो बंदा IMT कॉलेज पे वहाँ बैठा था, उन्होंने भगने की कोशिश करी, पुलिस प्रशासन पकड़ लिया। लेकिन इसमें जो है आग लगाने का कुछ कारण क्या, दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, कोई वो नहीं है, नहीं मेरे कोई उससे कोई मतलब। तो परिवार वो परिवार का था, छिड़के कहते हैं कोई खाता का माता दिखता तो आदमी को चिड़ होती है। यानी आपकी माने तो आपकी तरक्की की वजह? हाँ, तरक्की की वजह से। और जिसे मैं जिम से आया, मुरैना में गाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? दरअसल ये जी, हमें करीब 1 बजे रात को सूचना मिली थी कि बुढ़ेड़ा गाँव में गाड़ी में आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पर पहुँचे, देखा कि वहाँ हैरियर गाड़ी है HR 51 BW 5537, तो पूरी तरह से जल चुकी थी। क्या गाड़ी जलने वाले को कुछ पता लगा कौन लोग थे और क्या कारण रहा गाड़ी में आग? देखो, कारण तो फर्स्ट जो पूछताछ में आया है, इनका कोई पारिवारिक ही मामला है और जो फुटेज का हमने खंगाल लिया तो उसमें दीपक नाम का लड़का है, इन्हीं के परिवार से है, उसी ने शायद कुछ जौलसी पदार्थ डाल के वो भागते हुए दिखाई दिया। कितने लोगों ने आग लगाई क्या और कितने क्या कोई इसमें से कोई गिरफ्तारी भी हुई है? इसमें दीपक नाम का एक लड़का है, उसको हमने गिरफ्तार किया है इसमें, और जो हमने पूछताछ में आया कि इसके अन्य दो साथियों के साथ और इसने मिलकर कांड किया है, तो जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे आड़तियों का दूसरा दिन रहा। तमाम आड़तियों ने मिलकर पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उनके बाद बल्लभगढ़ SDM को अपनी मांगों के चलते ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई।
वहीं आरतियों का कहना है कि सरकार ने जल्द ही अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो आगे और ज्यादा खराब हो सकते हैं मामले। और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ के SDM कार्यालय का है, जहां पर आरतियों ने अपनी मांगों को लेकर SDM को सरकार के प्रति ज्ञापन सौंपने आए थे। और दरअसल आपको बता दें कि आरती अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो वहीं आरती अपनी मांगों को के ज्ञापन के जरिए सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाना चाहते हैं। वहीं आरतियों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नियम और कानून किसान और आरतियों दोनों के ही हक में नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन प्रणाली शुरू होने से आरतियों का रोजगार पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। वहीं आरतियों ने कहा कि सरकार ने यदि इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया तो आगे हड़ताल और भी जारी रहेगी। की मांग है जो उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया SDM साहब को, और यही ज्ञापन हमने मंत्री जी को भी दिया। मंत्री जी अवेलेबल थे नहीं, उनकी उपस्थिति में अनुपस्थिति में टिपरचंद शर्मा जी थे, उनको भी दिया है हमने भी। हमारी मांगे जो हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचे और इन समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाए। क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन दिया SDM साहब को? ने तो बस यही कहा है कि भाई हम आपकी जो मांगे हैं उनको मुख्यमंत्री से अवगत करा देंगे और जैसा भी होगा डिसीजन तो सरकार का ही होगा। के आप ज्ञापन दे दीजिएगा, जो आपकी मांगे हैं वो हम ऊपर भेज देंगे। कल हमारी मांगे हैं जो ई प्रणाली है वो गलत हो रही है, इससे जमींदार का इतना नुकसान होगा कि बेहद ज़्यादा। जब जमींदार माल को लेके जाएगा और 300 किलोमीटर पर जो बैठने वाला राइस सेलर मिल वाला है वो परचेज कर लेगा, वो कैसे तो रुपया देगा? अननोन आदमी को हम कैसे गारंटी ले लेंगे कि भाई हम रुपये के जिम्मेवार हैं? और कैसे जमींदार उसको माल दे देगा वो 300 किलोमीटर पर बैठने वाला उस माल को खरीदेगा? तो इसलिए ये प्रणाली बिल्कुल गलत है, इसको बदलना चाहिए। जैसे पहले चलता था वैसे ही चलनी चाहिए। और ये समझिएगा, इन्होंने SDM साहब ने कहा है कि हम आपकी मांग को भेजेंगे, पहले DC साहब के पास भेजेंगे, DC साहब ऊपर भेज देंगे। मंत्री जी के यहाँ भी गए थे? मंत्री जी तो मिले नहीं थे, वो पता चला कि वो चंडीगढ़ गए हुए हैं, पर उनका एबसेंट में समझिएगा उनके टिपरचंद जी हैं, उनको हम ज्ञापन दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी बातें ठीक हैं पर हम मंत्री जी को बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी को बोलेंगे। भाई है एक की बजाय जो चार करी है वो बहुत सरासर गलत है। कोई भी स्टेट में 1% 1.5% से ज़्यादा नहीं है, चाहे UP है, राजस्थान है, दिल्ली है, यही स्टेटें हमारी चारों तरफ लगती हैं यहाँ पर, जहाँ की 1 और 1.5% का ही है। और हमारे यहाँ 4% लगने की वजह से इसलिए भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और जो ऑफिसर्स हैं ना, अब वो ये और कहेंगे कि भाई आप 4% क्यों भरते हो, कम भर लीजिए और आपका हम वैसे निकलवा देंगे। दूसरा दिन है आज आपकी हड़ताल का, दूसरा दिन है ये। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 प्रेमनगर में एक कपिल तेवतिया नाम का वाटर सप्लाई करने वाले से की गई वसूली और वसूली के पैसे नहीं देने पर उसके साथ गुंडागर्दी की गई। इस मामले में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 प्रेमनगर में एक कपिल तेवतिया नाम का वाटर सप्लायर अपने पानी के टैंक के साथ जा रहा था, तभी कुछ समाज के लोगों ने, कुछ दबंग लोगों ने आकर उनसे मंथली पैसे मांगे, जिसके बाद कपिल ने मंथली देने से इनकार कर दिया। इसी बात पर उन लोगों ने कपिल तेवतिया के गले पर चाकू से हमला किया। इसी दौरान वहां पर पानी टैंक का सप्लायर के भांजे आ गए, जो कि बीच बचाव करने की कोशिश में घायल हो गए, उन्हें गहरी चोटें आई हैं। वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों को मारा गया। आदित्य और विक्रम का कहना है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग करने वाले और गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आ चुका है, CCTV फुटेज में भी देखा गया है कि किस तरीके से गुंडागर्दी की गई है, तो आगे इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है। हम दोनों पानी काम करते हैं, तो मेरा तो सैलून काम भी है और पानी का काम करते हैं, तो मैं और भी मेरा लड़का, हम दोनों पानी सप्लाई कर रहे थे सेक्टर 3 प्रेमनगर में। तो वहाँ अचानक से क्या हुआ, 20 लोग आए और कहते कि हमें मंथली दो आप। उन्होंने मेरे से बोला मंथली दो, मैंने उनके मना कर दिया कि मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने बोला नहीं दोगे तो हम तुझे मारेंगे। मैंने कहा आप कुछ भी कर लो मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने क्या किया, इतना सुनते ही उन्होंने मेरे पे पहले हमला किया, मेरे गर्दन पे चाकू मारा उन्होंने, मैं दिखा सकता हूँ ये चाकू ये। हाँ, उसके बाद मेरे साथ लड़का था उसे भी थप्पड़ों से मारा था और बहुत ही लात घूसों से सब मारा उसमें। कौन है वो लोग? वो लोग सेक्टर 4 प्रेमनगर, ये पटेल नगर, ये प्रेमनगर है सॉरी, प्रेमनगर थे, ये वाल्मीकि समाज के थे सारे। हाँ, पुरानी रंजिश तुम्हारी? नहीं, कोई आज तक मैं उसे जानता तक भी नहीं,
कभी पहले कभी देखा नहीं, मिला नहीं, बस ये सुनते कि वो गुंडे हैं। तो झगड़ा किस रीजन पर हुआ है? कुछ पता ही नहीं चला अभी तक कि झगड़ा किस रीजन से हुआ है। बस वो मेरे पास आए, बोले मंथली दो, मैंने सीधा मना किया कि मैं मंथली नहीं दूंगा। उन्होंने आके सीधा मेरे पे हमला किया, हमले में मुझे चक्कू मारा। उसके बाद मेरे जो लड़का दूसरा छोटा ड्राइवर था उसको थप्पड़ों से मारा। अचानक क्या हुआ, मेरा भांज सर चौकी में एक लड़ाई झगड़े का मामला आया है थाने के अंदर, क्या कुछ उसमें कार्रवाई आप लोगों की कर रहे हैं? उसमें अभी तफ्तीश जारी है, जो अभियोग में नामजद आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बाद तफ्तीश जैसे भी हालात होंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर ACP सर्विस में तफ्तीश कर रहे हैं, वो किस मुद्दे को लेकर? बस मामले की जांच ही कर रहे हैं, इसमें क्या असल है क्या, किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा किया गया हुआ था? लड़ाई झगड़ा दो पक्षों का आपस में लड़ाई झगड़ा था, किसी बात को कहा सुनी उनकी हो गई थी। उस मामले में एक पक्ष को चोट आई थी तो दूसरे पक्ष को कोई चोट नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि मंथली की बातें आ रही हैं कि? हाँ ऐसा ही कुछ था। खबर की और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आज़ाद नगर में रहने वाला लड़का जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है और परिवार से नोकझोंक होने के बाद वो गुड़गांव नहर में छलांग लगा दी उसने, जहां लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया पर लोग उसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को ढूंढने की कोशिश करने में लगी रही। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये फरीदाबाद के गुड़गांव नहर की है, जहाँ पर एक 19 साल के युवक ने नहर में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार रोता बिलखता हुआ बच्चे को याद करता हुआ दिख रहा है। ये विक्की के परिजन हैं, जो विक्की घर में मामूली सी बात से नाराज होकर गुड़गांव नहर में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने पहुंच गया और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस की माने तो उन्हें शिकायत मिली थी कि सुबह अपने परिजनों से नाराज होकर गुड़गांव नहर में एक युवक ने छलांग लगाई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम के मदद के साथ युवक के लिए रेस्क्यू करने में लगी हुई है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। ये गुड़गांव कैनाल में जी सुबह तकरीबन 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि ये जो रेल वाला पुल है बल्लमगढ़ का, इससे कोई बंदा कूद गया है। तो हमने आके यहाँ पुलिस के साथ जानकारी जुटाई है, 19 साल का लड़का है और अपनी मर्जी से ही कूदा है इसमें। उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, कांटे मारे जा रहे हैं लगातार और सर्च अभियान चलाया हुआ, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी तो तुरंत आपको। क्या क्या करता था युवक और क्यों कूदा, क्या कुछ कारण पता चल पाएंगे? देखो जी, ये तो पुलिस का काम है, ये बताएंगे कि किस कारण, कोई कारण क्या हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा जो भी था, तो ये पुलिस का काम है। हम तो सर्च अभियान में आए हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कांटे से उसको लगातार सर्च किया जा रहा है। कौन कौन सी टीमें हैं जो मौके पर ढूंढ रही हैं? यहाँ पुलिस विभाग आया जी, सबसे पहले फायर ब्रिगेड आई है और अभी NDRF को भी सूचित किया गया है, उनको लेटर दिया गया है, वो शाम तक आने की उम्मीद है NDRF के भी। क्या नाम है युवक का, कौन सी कॉलोनी में रहता है? ये रेल वाले, ये झुग्गी पड़ी है, ये पुल के पास में वहीं रहते हैं, कॉलोनी कौन आज़ाद नगर है इसके। हमारे एरिया में मुझे सर में एक लड़का है, 18 से 19 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, आज़ाद नगर झुग्गी का रहने वाला है, विनोद उसका नाम है। वो नहर में कूद गया है सुबह 8 बजे के तकरीब, अब उसको ढूंढने की रहे हैं सारी टीम मिल के तलाश जा रही है। जैसे कूदेगी क्या वजह मान रही है, घर वाले बता रहे हैं कि ये कोई प्राइवेट काम करता था कंपनी में, घर वाले बता रहे हैं कि आपस में कोई कहा सुनी हुई है घर में, उसकी वजह से तंग आ गए, इसने सुबह छलांग लगा दी। तो कौन कौन सी टीम मौके पहुंची है और जांच कर रही है, कौन कौन मौके पे? फिलहाल तो पुलिस ही पहुंची है मौके पर, अब प्राइवेट आदमी जो पब्लिक है उनकी सहायता लेके हम उनको सर्च करवा रहे हैं, कांटे की मदद से फायर ब्रिगेड मौके पहुंच रखी है, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है NDRF की टीम को भी बोल रखा है, वो भी आ रही है। पहले खबरों में बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग का अनुमान है कि विदाई के पहले मानसून उत्तर पश्चिम हिस्से को फिर तर कर सकता है। अगले 3 दिनों में यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2022 की विदाई का वक्त आ चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके पहले राजधानी दिल्ली, NCR, UP समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज बारिश हुई, मौसमविदों का
कहना है कि अगले कुछ दिनों में हवा की दिशा बदलने की संभावना है। इसके साथ ही ठंड भी दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि विदाई के पहले मानसून उत्तर पश्चिमी हिस्से को फिर से तर कर सकता है। अगले 3 दिनों में यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, इससे तापमान में गिरावट आई है। आमतौर पर देश में से मानसून 20 सितंबर तक विदा हो जाता है। इसके बाद लोकल स्तर पर सिस्टम बनने से छुटपुट बारिश का सिलसिला अक्टूबर तक जारी रहता है। इस बार भी ऐसी ही संभावना है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार औपचारिक रूप से 1-2 दिन में मानसून विदा हो जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली NCR में सोमवार को हल्की फुल्की बारिश हुई और ये सिलसिला जारी रहेगा। स्काईमेट वेदर के प्रमुख महेश पलावत के अनुसार 27-28 सितंबर तक मानसून दिल्ली से विदा हो जाएगा। इसके साथ ही हवा की दिशा भी उत्तर पश्चिमी हो जाएगी, इससे राजधानी में फिर प्रदूषण बढ़ सकता है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।